तो ऋषिकेश में मिलेगा 5-star होटल जैसा खाना फ्री में। भाई ना लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। मैंने बोला हमारा टोपी उतरवाओगे ना तो तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा। तो ऋषिकेश में मिलेगा 5-star होटल जैसा खाना फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, ऋषिकेश में आप लोगों को मिलने वाला है 5-star होटल जैसा खाना फ्री में। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। मैं हूँ आपका दोस्त विकास और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैवलिंग जिंदगी में। तो एक बार फिर से लेके आया हूँ मैं आपको उत्तराखंड की बहुत ज़्यादा फेमस और आजकल नंबर 1 टूरिस्ट प्लेस जो चल रही है, जो कि है ऋषिकेश। तो मैं आया हूँ ऋषिकेश में, एंड अगर आप लोगों का भी ऋषिकेश आने का प्लान है ना यार, तो घूमने की जगह तो आप लोग 100 ढूंढ लोगे, लेकिन भाई जैसा कि कहते हैं कि भूखे पेट ना भजन होए गोपाला, तो भाई आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो जुड़ा है आपके पेट से। अगर आप लोग भी ऋषिकेश आ रहे हो फैमिली के साथ, तो जैसा कि मैं आप लोगों के लिए बजट स्टेज से रिगार्डिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ कि कहाँ पे आप लोग जो है वो ऋषिकेश में बजट में रुक सकते हैं, तो भाई रुकने का इंतज़ाम तो हो जाएगा, लेकिन पेट पूजा का इंतज़ाम कैसे होगा, तो आज का वीडियो उसी पर होने वाला है। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जिन लोगों का बजट बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन जो लोग घूमना चाहते हैं ऋषिकेश को कम पैसों में, एंड घूमने के साथ साथ पेट पूजा करना चाहते हैं कम पैसों में, ऐसी जगह बताऊंगा ऋषिकेश में जहां आपको फ्री में खाना मिलने वाला है, वो भी 5-star होटल जैसा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ये फ्री खाना आपको हर रोज मिलने वाला है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऋषिकेश में आप सस्ते में कहाँ खाना खा सकते हैं, करंट में ऋषिकेश में जो है वो क्या सीनरी है, गंगा माँ का जल स्तर कैसा है, पानी साफ है या नहीं है, भीड़ ऋषिकेश में कितनी है। इससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, सो दैट आपका कोई फ्रेंड ऋषिकेश आने का प्लान कर रहा है ना, तो भाई उसका टाइम और पैसा दोनों बच सके। तो चलिए बिना देर के करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट, लेट्स गो। तो आज है दिन संडे का, एंड मैं खड़ा हूँ इस समय ऋषिकेश के पूर्वानंद घाट पे, ठीक सामने जो वो माँ गंगा बह रही हैं। एंड भाई जैसा कि वीकेंड, और जब आजकल नाम सुनाई देता है वीकेंड का, तो एक ही बात दिमाग में आती है, ऋषिकेश में वीकेंड्स पे भीड़। तो भाई पीछे आप लोग देख सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग सुबह 8 बजे का टाइम हो रहा है, लेकिन जो घाट है ना यार, घाट अभी से भीड़ भाड़ होने लग गई है। एंड ये जो एरिया है ये जानकी सेतु के बराबर का एरिया है, ठीक सामने जो है वो जानकी सेतु है। तो अगर आप लोग आ रहे हैं ना, प्लान कर रहे हैं ऋषिकेश आने का, तो आपको भीड़ जो है वो सुबह से ही ऋषिकेश में मिलने वाली है। रास्ते में मैं रहा था तो वहाँ पे भी जो है वो सुबह से ही जाम लगने लग गया है। तो भाई शुरुआत ऐसी है ना, तो अंत कैसा होगा ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ जानकी सेतु के उस पर, जहाँ पे मिलने वाला है हमको फ्री में खाना। तो चलिए लेके चलते हैं आपको। तो जानकी सेतु को क्रॉस करके मैं आ गया हूँ इस समय परमार्थ निकेतन के सामने वाले घाट पे। एंड पीछे आप लोग देख सकते हैं कि यार सवेरे सवेरे का टाइम है भाई, इंडे का दिन है, लेकिन भीड़ सुबह से ही होने लगी है। और गर्मी की मैं बात करूँ तो हल्की हल्की गर्मी लगनी शुरू हो चुकी है। एंड जो माँ गंगा का जल है ना, माँ गंगा का जल इस समय थोड़ा मिट्टी वाला आ रहा है, एंड गंगा का जल स्तर भी कम हो गया, नहीं तो बीच में जो है वो ऋषिकेश में गंगा माँ में बहुत ज़्यादा जल स्तर बढ़ गया था। एंड ठीक सामने जो है वो वानप्रस्थ आश्रम है, एंड वानप्रस्थ आश्रम में आपको मिलेगी सिर्फ 500 रुपये में रहने की जगह। जी हाँ भाई, ऋषिकेश में जहाँ इस समय होटलों के चार्जेस 3,000-3,000 हो रखे हैं ना, वहाँ वानप्रस्थ आश्रम में आपको 500 रुपये में रुकने की जगह मिलती है, लेकिन वो आपको कैसे मिलेगी उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके जो है पूरा वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे आज का मेन पर्पस है कि कहाँ आपको अच्छे से खाना मिलने वाला है, तो भाई वानप्रस्थ में भी आपको जो है वो कैंटीन मिलती है, जहाँ 100 रुपये में आपको भरपेट खाना मिलता है, एंड खाना सच में टेस्टी होता है। तो फिलहाल यहाँ से आगे चलते हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग रहेगा देखना वो जगह जहाँ मिलेगा हमें ऋषिकेश में 5-star होटल जैसा खाना फ्री में। तो चलिए वानप्रस्थ आश्रम से आगे लेके चलता हूँ आपको, एंड एग्जैक्ट लोकेशन बताऊँगा, इसलिए वीडियो पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। तो चलिए तो
वानप्रस्थ आश्रम के बाद मैं पहुंच गया हूं भाई परमार्थ निकेतन में। तो ठीक पीछे जो है वो आप लोग परमार्थ निकेतन देख सकते हैं, एंड ठीक मेरे सामने जो है वो है वर्ल्ड फेमस भगवान बजरंगबली जी की मूर्ति, जिसमें सीना चिरे हुए भगवान राम और माता लग रहे हैं। एंड ये जो सामने ये आप लोग देख सकते हैं परमार्थ निकेतन है, बैठे हैं गंगा माँ के बीच में हमारे भोलेनाथ, एंड बहुत ही ज़्यादा वो खूबसूरत लग रहा है। सवेरे सवेरे का टाइम है और भीड़ की मैं बात करूँ तो भाई अर्ली मॉर्निंग के घाटों में जो है वो ऋषिकेश में भीड़ होने लग गई है। एंड इसका एक और रीज़न ये है कि जो चार धाम के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं, इसलिए भी जो है वो आपको भीड़ मिलेगी। बाकी खाने की बात करूँ तो भाई परमार्थ निकेतन में भी आप लोगों को जो वो खाने की फैसिलिटी मिलती है, एंड यहाँ पे जो है वो 100 रुपीज़ में आपको खाने की फैसिलिटी मिलती है। लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है भाई, अगर आप लोग नाश्ता करना चाहते हैं तो नाश्ते का टाइमिंग आपको 7 बजे से 9 बजे मिलेगा, एंड लंच टाइमिंग जो है वो रहता है 12 बजे से, जो 12 से 2 है, 12 से 2 के बीच में आपको जो है वो लंच की 100 रुपए की थाली मिलेगी। तो अगर आप लोग ऋषिकेश घूमते घूमते थक जाएं, खाने का दिल करे तो परमार्थ निकेतन में भी आप लोग खाना खा सकते हैं। इसके अलावा परमार्थ निकेतन में आपको रुकने की फैसिलिटी भी मिलती है, एंड जहाँ पे आपको रूम किस तरीके से मिलते हैं उस सब का मैंने अलग से वीडियो बनाया, जिनके मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो परमार्थ निकेतन में रुकिए, अच्छा सा खाना खाइए, 100 रुपए में पेट पूजा कीजिए, भोलेनाथ जी के दर्शन कीजिए, और शाम के टाइम पे परमार्थ निकेतन की गंगा आरती अटेंड कीजिए। तो यहाँ से आगे लेके चलता हूँ आपको, क्योंकि आज की जो मेन लोकेशन है वो रहने वाली है ऋषिकेश में 5-स्टार होटल जैसा खाना, वो भी फ्री में। आगे चलते हैं अपनी मंजिल की ओर घूमते घूमते भगवान भोलेनाथ की नगरी ऋषिकेश को। तो परमार्थ निकेतन के बाद मैं पहुंच गया हूं उस जगह में, जो जगह किसी आरती के लिए तो नहीं लेकिन अपने आप में बहुत फेमस है। जी हां भाई, मैं आ गया हूं इस समय गीता भवन के लिए, एंड ऋषिकेश में जैसे त्रिवेणी घाट और परमार्थ निकेतन जाने जाते हैं ना अपनी गंगा आरती के लिए, वैसे ही गीता भवन जाना जाता है अपने बजट स्टे के लिए। जी हाँ भाई, गीता भवन में जो है वो आपको फ्री में रुकने की सुविधा मिलती है, इसके अलावा आपको गीता भवन में खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। सिर्फ 50 रुपये में आपको जो है वो गीता भवन में भरपेट खाना खिलाया जाता है, एंड भाई खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बहुत प्यार से खिलाया जाता है। एंड उससे भी अच्छी चीज़ भाई, गीता भवन में आप लोग जो है वो जितना मर्जी आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, आपको उसका एक्स्ट्रा कोई पे नहीं करना पड़ता। एंड जैसा आप लोग देख भी सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग टाइम है, एंड जिन लोगों ने स्टे कर रखा है वो ठीक सामने जो है अपना माँ गंगा के जो है वो दर्शन कर सकते हैं, एंड अपना गंगा माँ में डुबकी लगा सकते हैं। तो ऋषिकेश में कोई जगह फेमस है अपने घाट के लिए, तो कोई जगह फेमस है अपनी गंगा आरती के लिए, लेकिन गीता भवन फेमस है भाई अपने बजट स्टे के लिए, फ्री स्टे के लिए, एंड 50 रुपए के खाने के लिए। तो अगर आप लोग भी ऋषिकेश आने का प्लान कर रहे हैं ना, वो ढूंढ रहे हैं बजट में रहने की जगह, तो गीता भवन जरूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ रूम फैमिली को मिलता है, तो सोलो ट्रैवलर मत आना भाई, यहाँ पे ओनली फैमिली अलाउड होती है। तो चलिए चलते हैं इससे आगे, चलते हैं हम लोग अपना राम झूला की तरफ। घूमते घूमते मैं पहुंच गया ऋषिकेश में उस जगह में जहां मिलेगा आपको 5-स्टार होटल जैसा खाना, वो भी फ्री में। मैं खड़ा हूं इस समय भरत घाट में, एंड ये आप लोग देख सकते हैं कि शाम के टाइम पे यहां पे भी आप लोग बहुत अच्छे से गंगा आरती को एंजॉय करने वाले हो। हमने गंगा माँ बह रही हैं, ठीक सामने जो है वो मेरे जानकी सेतु है, एंड जब आप लोग जानकी सेतु आते हैं तो जानकी सेतु की स्टार्टिंग में ही जो राइट को रास्ता जा रहा है जो कि मोक्ष धाम से होके जाता है, तो उसी रास्ते पे हार्डली आपको 50 कदम चलना है, एंड 50 कदम की दूरी पे आप लोग आ जाते हैं भरत घाट पे स्वामी नारायण आश्रम के सामने। तो ठीक सामने जो है वो स्वामी नारायण आश्रम है, एंड यहीं इसी आश्रम में आपको रहने की सुविधा भी मिलती है। अगर आप लोग ऋषिकेश आने का प्लान कर रहे हो फैमिली के साथ ना, एंड ढूंढ रहे हो सस्ते में रहने की जगह, तो स्वामी नारायण आश्रम में भी आपको जो है वो रहने की जगह मिलती है। एंड यहीं स्वामी नारायण आश्रम में हम लोगों को मिलता है भरपेट खाना, 5-स्टार होटल जैसा खाना, वो भी बिल्कुल फ्री में। 1 रुपया भी आप लोगों से चार्ज नहीं किया जाता, आपको 1 रुपया भी नहीं देना ऋषिकेश में यहाँ खाना खाने का। एंड टाइमिंग मैं बता दूँ तो 11 बजे से लेके और 12 बजे तक, इस 1 घंटे में आपको फ्री में जो है वो खाना मिलेगा।
तो अगर आप लोग भी ऋषिकेश आने का प्लान कर रहे हो ना एंड बजट स्टे के बाद ढूंढ रहे हो भाई वो जगह जहाँ पे आप लोगों को फ्री में खाना खाने की सुविधा मिल सके, क्योंकि भाई भूखे भजन ना होए गोपाला, खाली पेट इस दुनिया की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे कुछ भाई लोग मिले अपने को, एंड भाई लोग कहाँ से आए हो? हरियाणा से। तो सबसे पहले तो राम राम भाई हरियाणा वालों को, ठीक है? तो पहले कहूँ भाई ने लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर लो, बहुत बढ़िया भाई है, थोड़ी देर पहले मिले हम, हमने जिला दिया कति भाई ने। तो भाई हरियाणा से अपने भाई लोग आ रखे हैं, मजा आ रहा है? भाई बहुत मजा आ रहा है, तो आए हैं यार, बिल्कुल मजा आने वाला है आप लोगों को भी। बाकी भाई यहाँ पे फ्री में अगर आप लोग खाना खाना चाहते हो ना, तो ठीक सामने स्वामी आश्रम में लंगर चलता है, 11 से 12 का टाइम रहता है, तो भाई लोगों आप लोगों को खाना होगा ना सामने खा सकते हो। जरूर भाई जी, भाई ने लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, सब भाई लोगों से विदा लेते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है भाई लोगों? ठीक है भैया, ठीक है ब्रदर। तो ये अपने कुछ भाई लोग भी मिले थे यहाँ पे, एंड ओके भाई, तो बहुत अच्छा जो है भाई से बात करके लगा, बहुत ज्यादा एंजॉय भाई लोग करने वाले हो, तो आप लोग भी आओगे ना तो आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हो। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपकी सिटी से मेरे ब्लॉग्स देखते हो, अपनी सिटी का नाम लिख के एक छोटा सा दिल जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर किसी खूबसूरत लोकेशन के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बी सेफ बी हेल्थी, जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। बाय बाय।